Nice. Nice. Hello everyone, welcome back to my daily vlog. और आज मैंने अपना जो ये vlog है वो दोपहर से start किया है. मैं कर रही थी अपनी editing और साथ साथ में विवान को मैं पढ़ा रही थी. मैं ऐसे ही everyday करती हूँ. आपने मेरे पिछले vlogs में भी देखा होगा कि दोपहर के time पे जब भी मुझे time मिलता है तब उस time पे मैं basically अपनी editing करती हूँ और साथ में विवान को भी थोड़ा सा बैठाने की कोशिश करती हूँ. सो दैट उसकी भी एक हैबिट डेवलप हो थोड़ी देर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करने की. और वो कर भी लेता है. शाम होता है तो अक्सर वो बच्चे मतलब जैसे जैसे दिन बीतता है वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो नैप नहीं लेता है और फंसी हो जाता है शाम के टाइम. तो उसको उस टाइम पे बैठाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में ही फ़िलहाल उसको एक घंटे के अराउंड बैठा के थोड़ी बहुत उसकी पढ़ाई करा दूँ. तो मैं कर रही थी एडिटिंग. इसके बाद हम चलेंगे किचन में और करेंगे हमारी डिनर की प्रिपरेशंस. Give it to me. I'll give you something else. Okay? Some other mathematics. Okay? Okay. Thank you. पूरे तीन साढ़े तीन घंटे एडिटिंग करने के बाद आंखों में ऐसी जलन हो रही है. मन कर रहा सो जाऊं बस. लेकिन डिनर की करनी है तैयारी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिनर की तैयारी. और मैं बाहर दिखाती हूँ कि अभी बज रहा है 6:30 शाम का और स्टिल कितना तेज धूप है. ये देखिए कितनी तेज धूप है अभी भाई. वैसे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारे डिज्नी का व्लॉग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि मैंने इसके पहले 2 डिज्नी का व्लॉग डाला था. बट एक्चुअली इसके बाद का जो डिज्नी का व्लॉग है वो एडिट नहीं हो पाया था. तो मैंने सोचा तब तक ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँ. बट इसके बाद हम डिज्नी का 2nd डे का व्लॉग डेफिनेटली आपके लिए डाल देंगे. और ये हमारे उसके बाद की वीडियो है जब हम लोग वहाँ से वापस आए थे. और जब भी आप किसी भी मतलब वेकेशन से वापस आओ तो जो सबसे बेसिक हम लोगों को क्या होता है कि अपने सबसे बेसिक ऑथेंटिक फूड की क्रेविंग होती है. क्योंकि बाहर तो आपको उतना अपने मन पसंद का खाना मिलता नहीं है. हालांकि इस ट्रिप पे हमें काफ़ी अच्छा खाना मिला और इंडियन भी. बट स्टिल जो होता है ना दाल चावल की जो बात है वो उसकी अलग ही एक कम्फर्ट फूड की एक अलग ही बात है. तो मैं आज बनाने वाली थी आलू परवल की सब्ज़ी और क्या कहते हैं भिंडी का भुजिया और दाल और चावल डिनर के लिए. ये हम लोगों का काफ़ी पसंदीदा खाना है जो कि आपने पहले भी देखा होगा. और मैंने मतलब थोड़ा लेट ही हो गई हूँ डिनर बनाने में क्योंकि हम लोग यूजुअली 7:30 बजे तक डिनर कर लेते हैं. तो जल्दी जल्दी से हम अपनी डिनर बनाएंगे. एक साइड पे मैंने राइस उबलने के लिए डाल दिया था. दूसरे साइड पे मैं सब्जी और भिंडी का जो हम लोग भुजिया बनाते हैं ना उसकी प्रिपरेशंस करी थी. भिंडी ना काफ़ी लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाते हैं. प्लीज़ आप कोई मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर करिएगा कमेंट में. मैं तो हम लोगों के यहाँ बिहार में ऐसी बनती है भिंडी का जो भुजिया होता है बेसिकली प्याज डाल के और सरसों का वो डाल के सरसों का फ़ौरन लाल मिर्चा का फ़ौरन डाल के और उस तरीके से. तो वही मैं आज बना रही हूँ खाने के लिए. साथ साथ में मैं क्या करती हूँ मैं किचन में सिंक में बर्तन जमा नहीं करती. जैसे 2-3 बर्तन होते हैं तो मैं डिश वॉशर में उसको डालते जाती हूँ. और जैसे ही डिश वॉशर मेरा फुल हो जाता है इनफैक्ट रात तक हो ही जाता है. या तो रात को फुल हो जाता है या अगर मैंने रात को मतलब या तो समटाइम्स मैं रात को धुलती हूँ या तो फिर दोपहर को धुलती हूँ. वो डिपेंड करता है कब से मैंने लगाना स्टार्ट करा है. तो मैं आज सुबह से लगा रही थी. कल रात के रात का भी मेरा साइकिल चल रहा है तो मैं रात को लगाती हूँ सुबह खाली कर देती हूँ. फिर दिन भर सारे जो गंदे बर्तन होते हैं वो एक मशीन हो जाते तो वो रात तक फिल हो जाते हैं. तो फिर रात को एक बार डिनर विनर करने के बाद लगा के और ऑन कर देती हूँ. ये देखिए मेरी सब्जी हो गई है तैयार. आलू परवल की जो है ये सब्जी बनी है. बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाली सब्जी है. आलू को उबाल के मैं हमेशा सब्जी बनाती हूँ. क्या आप लोगों को भी उबली हुई आलू की सब्जी पसंद है या बहुत लोग ऐसे ही कच्चा आलू कट करके बनाते हैं मुझे बताइएगा. दूसरी तरफ चावल बन गई है. एक तरफ दाल प्रेशर कुकर में डाल दिया था. अब भिंडी कट करेंगे और भिंडी का बनाएंगे भिंडी का भुजिया. तो आज मैं आपके साथ मेरे स्टाइल की भिंडी का भुजिया का रेसिपी शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में. तो और मैं चॉपिंग कैसे करती हूँ ये देखिए. भिंडियों को एक साथ सजा लेती हूँ सो दैट 8-10-15 भिंडियाँ एक साथ कट जाए और चॉपिंग मेरी थोड़ी फास्ट हो जाए. तो इसीलिए मैं इस तरीके से चॉपिंग करती हूँ. नेक्स्ट मंथ से मैं आपके साथ टिफ़िन रेसिपीज़ भी शुरू शेयर करूँगी. नेक्स्ट
मंथ से 12th of August से विवान के हो रहे हैं स्कूल स्टार्ट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये शेयर करते हुए कि विवान पहली बार स्कूल जाने वाला है। यहाँ US में थोड़ा लेट ही स्टार्ट होता है, जैसे 3 PK होता है, VPK होता है एंड देन KG होता है। तो 3 PK का टाइम पे मैं इंडिया गई थी लास्ट ईयर, और उसके बाद जब हम आए तो विवान को रजिस्टर करने के लिए जब हम लोगों ने स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो वो 3 PK फुल हो गया था, तो सीधा VPK में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि अभी वो 12th August से वो क्लास स्टार्ट करेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जितनी भी मम्मीज होंगी सब रिलेट कर पाएंगी कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाने वाला होता है तो जितना बच्चा आई डोंट नो कितना नर्वस होता है, बच्चे भी नर्वस होते हैं ऑब्वियसली, बट हम पेरेंट्स भी उतने ही नर्वस होते हैं। तो जब से विवान बॉर्न हुआ है आज तक कभी भी मैंने उसको डे केयर में नहीं डाला, कहीं भी नहीं गया, प्ले स्कूल नहीं गया। पहली बार जो है, जो भी हो अभी तक उसकी होम स्कूलिंग ही हम लोग करा रहे थे, तो पहली बार वो जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है और नेक्स्ट मंथ से उसके क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ में कर रही हूँ, मीनवाइल उसकी स्कूल सप्लाइज एंड ऑल की शॉपिंग वगैरह भी चल रही है। मैं जैसे जैसे चीज़ें सारी इकट्ठा कर लूँगी ना, तो मैं एक व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स अब आप भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा हैं, तो ऑब्वियसली आपको दिखाना तो बनता है। और मैंने सोचा है, वैसे तो यहाँ US में बच्चों को स्कूल में मतलब फूड प्रोवाइड की जाती है, बट स्टिल हम लोग, मैंने और भी मेरे फ्रेंड्स और सबसे बातचीत की, तो लोग थोड़ा बहुत दे देते हैं अपनी तरफ से स्नैक्स और फूड। तो मैं तो बहुत ही सॉलिड फूड का मेरा प्लान है कि मैं जो भी दूंगी बहुत ही सॉलिड दूंगी। तो मैं आपके साथ मैं उसकी भी लंच की जो एक सीरीज काइंड ऑफ स्टार्ट करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जिनको भी US के लाइफस्टाइल्स और बाकी इस तरीके के कंटेंट देखने में इंटरेस्ट हो। खैर, तो ये मैंने चढ़ा दिया था, हमारी शॉपिंग हो गई थी डन, और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था मस्टर्ड ऑयल में, मेरा खाना बनता है भाई ज़्यादातर, तो मैंने पैन में ले लिया था मस्टर्ड ऑयल, और उसमें मैं डाली थी सरसों और रेड चिली स्लिट करके, ये हमने डाला अपना फ़ौरन कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या कहते हैं जो तड़का लगाते हैं ना वो। उसके बाद मैंने अनियंस चॉप किए थे उसको मैंने ऐड किया, इसको हल्का सा हमें मतलब हल्का सा लाइटली ब्राउन करना है, उसके बाद हम अपनी भिंडी डालेंगे। बहुत ही बेसिक इजी सी ये एक रेसिपी है, लेकिन पराठे और दाल एंड राइस दोनों के साथ ही ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अगर आपने अभी इस तरीके से कभी ट्राई नहीं किया, बहुत ही कम मसाले, कुछ नहीं हल्दी और नमक ही बस पड़ता है इसमें, और कुछ भी मसाले नहीं पड़ते हैं, तो अगर आज तक आपने इस तरीके से भिंडी ट्राई नहीं की है तो प्लीज़ ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आपके घर में बच्चों को कैसी लगी। आप इसको चाहें तो बहुत क्रिस्पी भी हल्का बना सकते हैं, तेज़ ताव थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा तेज़ करके अगर आप उसको लास्ट में भूनेंगे ना पकने के बाद, तो ये अच्छी खासी कुरकुरी हो जाती है। और कोशिश करें कि गर्मा गर्म ही इसको बनाए, बनने में इसको बहुत कम समय लगता है, तो इसीलिए मैं कभी भी इसको बना के रखना प्रेफर नहीं करती हूँ, सबसे लास्ट में। इसीलिए मैंने सब्ज़ी बना ली, दाल बना लिया, राइस बना ली, सबसे लास्ट में मैंने इसको बनाया है कि बस मतलब रेडी हो और बस हम लोग उसके बाद खा ले। तब तक विवान के पापा भी आ जाएंगे ऑफिस से, ऑलमोस्ट उनके आने का टाइम हो ही गया है, 6:30-7 तक वो आ ही जाते हैं, आई थिंक आज थोड़ा सा लेट है इनफैक्ट, तो तब तक वो भी आ जाएंगे और हमारा फूड भी हो जाएगा रेडी। तो हम लोग उसके बाद, हम लोगों का ऐसे ही रहता है रूटीन जनरली, हम लोग डिनर कर लेते हैं 6:30-7 o'clock जब उसके पापा आते हैं, उसके बाद अगर हमें कभी कुछ सामान लेने जाना हो वॉलमार्ट या कहीं से भी, तब हम जाते हैं शाम की, हमारी जो बेसिक जो ज़रूरी ग्रोसरीज होती है ना, कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कभी दूध ख़त्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली दिन में उनकी ऑफिस रहती है तो टाइम तो मिलता नहीं है, तो या तो वीकेंड तक अगर कुछ दूध वूध ख़त्म हो गया तो वीकेंड तक तो वेट कर नहीं सकते हैं, तो हम वही 7:30 के बाद 8 o'clock के अराउंड यूजुअली जाते हैं। वंस इन अ वीक जाना पड़ता है, हर दिन तो नहीं जाना पड़ता। तो ये देखिए हमारी जो भिंडी है वो, उसको ढक के मैंने 2-4 मिनट पकाया था तो वो पक गई है। भिंडी बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत कम टाइम लेती है। अब इसको थोड़ा सा तेज़ टेम्परेचर पर ऐसे फैला के मैं छोड़ दूंगी तो वो धीरे धीरे रेड होना नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। What are you watching? You're not drinking your milk? Drinking. No. मेरा बच्चा, ड्रिंक योर मिल्क बेटा, ओके? मामा का जब तक भुजी बन रहा है आपका मिल्क फिनिश हो जाना चाहिए, ओके?
deal? Alright. And I see Papa is here. Open the window, open the window. Yay, Papa is here. I'm not nazar rakh pa rahe Papa pe. He's talking to someone, I think. Yes. Not hi. First he was doing something in the car and then now he's talking. He's talking, right? Yeah. Is that the Papa? Hi. Taking a phone of ghost? That just... तो आपने देखा कि विवान के पापा आ गए हैं और साथ साथ में मेरी जो भिंडी है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और उसको उसके बाद अब हम निकालेंगे खाना जल्दी से। और इधर देखिए विवान और उसके पापा की जो है साथ साथ में मस्ती शुरू हो जाएगी आते ही। हर दिन ऐसे ही होता है। और उसको मैंने मिल्क पीने के लिए दिया था, कितना ज़्यादा टाइम लगाता है आजकल वो मिल्क पीने में मैं क्या बताऊँ। अब उसके पापा आए हैं तो थोड़ी बहुत जो मिल्क बची होगी वो उसको ख़त्म कराएंगे, थोड़ा बहुत वो लोग खेलेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे खाना। मैंने इधर भिंडी तो रेडी कर ही लिया था ऑलमोस्ट, और उस मैंने अभी दाल फ्राई नहीं किया है, सिर्फ बॉयल किया है, तो मैं फटाफट से दाल को दूंगी तड़का और उसके बाद अगर भूख लगी होगी तो सीधा निकलेगा खाना। क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग चाय नहीं पीते हैं शाम के टाइम पे, बट स्टिल मैं पूछ लेती हूँ कभी कभी, क्या होता है ना आप बहुत टायर्ड हैं या स्लीपी हैं तो कभी कभी मन कर जाता है, तो 10-15 दिन में एक आध दिन चाय बन जाती है, तो मैं पूछ लेती हूँ मेरे हस्बैंड से जब वो ऑफिस से आते हैं, बट यूजुअली नहीं ही बनता है चाय, डायरेक्टली हम लोग खाना ही खा लेते हैं। और ये देखिए मैं एक साइड करने की भिंडी को कोशिश कर रही थी, मैं कोई भी भुजिया बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं उसको एक साइड पे लगा के और थोड़ा सा बर्तन को टेढ़ा करके रख देती हूँ, सो दैट उसका जो ऑयल होता है ना वो निकल आता है। हालांकि बहुत उतना ज़्यादा ऑयल नहीं होता है डीप फ्राइंग टाइप से, बट स्टिल जो अगर कुछ भी एक्सेस ऑयल होता है तो वो ऑलरेडी साइड से नीचे की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से मैं करके हमेशा रखती हूँ। दूसरे साइड पे मैं करूँगी अभी दाल फ्राई और उसके बाद निकालेंगे हम खाना। तब तक मैंने इनको बोला है विवान को बुला के लेके आने के लिए, अगर उसको खाने का मन हो, आई डोंट थिंक वो खाएगा बट स्टिल। लेट्स गो एंड ईट फूड। लेट्स गो एंड ईट फूड। बट आई सी समवन स्पाइडर हिट। Okay, let's go and eat food. It's like she killed the girl. Let's go and eat some food. Milk finish hua? Gandhi. Kya khana bana? Ganda ji. Khana bana hai dal chawal. Hum log ka jo favorite food hai. Nikal de. Dal chawal bhujiya? Nahi, sabzi bhi hai. What sabzi? Aloo parwal. लहसुन का छोंक डाले हो क्या? नहीं, जीरा और निकालो खाना। ये बन गया आपका खाना। इसको हटाइए, इसको फोल्ड करिए, पूरा येलो येलो लग जाता है। तो ये हो गया आपका खाना, खा लीजिए। तो मैंने दे दिया उनको खाना और अब मैं अपना भी खाना ले लूंगी। और यहाँ पे ना खाना खाते खाते हम लोग मैं उनको मतलब मजाक भी कर रही थी कि अभी मैं आपको अपना प्लेट दिखाऊंगी कि जो मैंने उनको दिया वो होती है इंस्टाग्राम वाली प्लेट या कोई भी सोशल मीडिया वाली प्लेट सजा धजा के। और ये देखिए मेरी प्लेट ऐसी होती है, मतलब बाकी दूसरी प्लेट जो होती है घर की, खैर सबके घर में ऐसा ही होता है आई एम श्योर। ये था आज का हमारा व्लॉग, जल्दी ही मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।